अस्सलाम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में बात करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के सिलेबस को लेके। सिलेबस में ये तीन हिस्सों में डिवाइड है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, और इनकी मुख्तलिफ जो है वो वेटेज है। और जो पार्ट ए है ये बात कर रहा है रेगुलेटरी एंड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे। बेसिकली ये रेगुलेटरी और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ये चीज़ है कि जिस तरह पाकिस्तान है, यहाँ पर अगर कोई इंडस्ट्री है, इसने बाहर से कोई ऑर्डर लेना है या वहाँ पे देना है, तो डेफिनेटली ये अपने अपने जो अकाउंट्स हैं ये वहाँ पे शो करेगी या उधर की कंपनी यहाँ पे शो करेगी। तो एक बोर्ड बना जिसके तहत जो अकाउंट्स हैं हर जगह एप्लीकेबल, हर जगह इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, समझे जा सकें। तो IFRS इसके तहत एक बोर्ड है जो कि काम करता है, उसके उसके कुछ कानून हैं, कुछ IAS हैं, IFRS हैं, उनको फॉलो करते हुए कंपनीज अपने अकाउंट्स तैयार करती हैं। और वो कहीं भी जो है ना वो आप ले जाएं तो वो अंडरस्टैंडेबल होंगे। तो ये जो पार्ट है ये इस चीज़ पे बेस करता है, और पार्ट बी जो है ये सिंगल कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट्स पे बेस करता है कि जो सिंगल कंपनी है उसके अंदर टेंजिबल एंड टेंजिबल एसेट भी होंगे, उसमें लीजेस का भी काम चल रहा होगा, उसमें बॉरविंग भी करनी होगी, और इसमें इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनकी अकाउंटिंग आपने किस तरह करनी है। तो ये पार्ट भी इस चीज़ को देख रहा है। इसकी वेटेज सबसे ज़्यादा 85% और पार्ट ए की 5% थी। और जो पार्ट सी है ये अकाउंटिंग फॉर टैक्सेशन, यानी कि जो आपने टैक्स डिपार्टमेंट, एक तो वो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा होता है और एक आपने अपना कंपनी का जो है ख़ुद से रिकॉर्ड मेंटेन करना है, और एट द ईयर एंड आपने उनको बैठ के रिकनसाइल करना है कि आया कि उनका उनकी तरफ से बनाया गया टैक्स और हमारी तरफ से बनाया गया टैक्स, इसमें डिफरेंस क्या है, उसको टैली करना है। सेम लाइक जिस तरह के आप FFA में अपनी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना के आते रहे हैं, ऐसे मतलब मैं उससे रिलेट कर रहा हूँ लेकिन ये एडवांस चीज़ है उससे। तो मज़ीद जो है आने वाली वीडियोज़ में हम लोग इनको देखेंगे इन डेप्थ। और ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।